हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज भी कहते हैं। हरतालिका व्रत को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के दिवस मनाया जाता है। हरतालिका तीज के दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियों ने गौरी शंकर की पूजा की। हरतालिका तीज करवा चौथ से भी अधिक कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ में चंद्र देखने के उपरांत व्रत संपन्न कर दिया जाता है। वहीं हरतालिका तीज व्रत में पूरे दिन महिलाओं और कुंवारी लड़कियों ने निर्जला व्रत किया और अगले दिन पूजन के बाद ही व्रत संपन्न किया। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों ने अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियों ने मनोवांछित वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया। सर्वप्रथम हरतालिका तीज व्रत को माँ पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। हरतालिका तीज के दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का पूजन किया। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठी और स्नान कर पूरा श्रृंगार किया। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की। इसके साथ पार्वती जी के भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी। वहीं मान्यता है कि जिस इच्छा को लेकर आप शिव मंदिर में 7 फुलेर के दर्शन करते हैं हरतालिका तीज के दिन, तो जिस इच्छा की कामना को लेकर आप फुलेरों के दर्शन करते हैं तो आपकी वह इच्छा पूर्ण होती है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।